किसान और मजदूरों की जो मांगे हैं, जब आंदोलन समाप्त हुआ था वो मांगे अभी तक पूरे तौर पे नहीं मानी हैं, और उसके अलावा भी जो है वो बहुत सी मांगे हैं। आज किसान कर्जे में सुसाइड कर रहा है, आज भारत का जो युवा है बेरोज़गारी की वजह से भारत को छोड़ के विदेश में जा रहा है, और जो मजदूर है उसकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, उसका जो नरेगा वाले मजदूर हैं उनका टाइम बढ़ना चाहिए, केवल 100 दिन की मजदूरी है, तो बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनका उसमें गुजारा नहीं चल पा रहा है। कर्जा माफ़ी की मांग है, फसलों के भाव की मांग है, MSP की, ये सारी मांगें जो है वो पेंडिंग है, और उसके लिए आज बड़ी महापंचायत, किसान मजदूर महापंचायत आज दिल्ली में रखी है रामलीला ग्राउंड में, तो वहीं के लिए अभी चल रहे। सरकार से हर फर्क की लड़ाई का भी ऐलान हो सकता है वहाँ पर? सर ये तो वहीं पे पता चलेगा, उसके लिए एडवांस तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक लड़ाई तो जारी रहेगी। आज दिल्ली जा रहे हैं, हर हाल में आप लोगों ने कहा था शांति प्रिय तरीके से जा रहे हैं आप लोग, ट्रेनों के माध्यम से भी गए हैं? हम शांति प्रिय तरीके से जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, और लेकिन जाएंगे, ये नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, जाएंगे दिल्ली, और सरकार से भी हम ये अनुरोध करते हैं कि समय रहते किसानों की बातें मान ले, हम कोई अवैध नहीं मांग रहे, उनसे अपना अधिकार ही मांग रहे हैं, हम तो केवल जिंदा रहने के लिए ही सब कुछ मांग रहे हैं, अमीर बनने के लिए हम कुछ नहीं मांग रहे। आज अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, उसमें किसानों की हालत दर्शाई गई है, आमदन और खर्चे का ब्यौरा उसमें दिया गया है। एक मंच पे इकट्ठे होंगे, किले से दूर हुए हैं आप लोगों के? अभी SKM के साथ तो हमारा समझौता हो गया है, उनके साथ तो हम इकट्ठे हैं, लेकिन अभी जो दूसरे ग्रुप हैं, जो अंधेर वाला ग्रुप है या डल्लेवाड़ वाला ग्रुप है, वो अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी हम उनको न्योता दे रहे हैं कि ये आंदोलन जो है ये मिल के लड़ना चाहिए, इस पर कॉमन कमेटी बना के वो कॉमन कमेटी आंदोलन लड़े तो ज़्यादा वजनदार आंदोलन रहेगा। कितने सदस्य जा रहे हैं आप सर? देखिए आज तो वहाँ पे अगर सारे उसके देश की बात करें तो लाखों की भीड़ होगी। कि रामलीला ग्राउंड में किसान मजदूर महारैली है, जिसके लिए हमने कूच दिल्ली की तरफ कर दिया है, और कुछ घंटों में हम दिल्ली रामलीला ग्राउंड में आपको मिलेंगे। और आज जो रैली है, महारैली है, वो ऐतिहासिक है, और जो देश में एक किसान की आवाज़ इस जो आने वाले चुनाव हैं उनमें एक आवाज़ किसान की गूंजे, ताकि किसान एक मुद्दा बन पाए, इसलिए जो रैली रखी गई थी। आज हमारी मांग इस रैली की है जो वो MSP की कानूनी गारंटी और कर्जा माफ़ी, WTO से खेती को बाहर करना, प्रदूषण से खेती को बाहर करना, हमें सभी मांगे हैं जिनको लेकर आज हमारे आदरणीय नेता सभी जो देश के किसान नेता वो भी पहुंच रहे हैं। देखिए प्रशासन ने कानून व्यवस्था संभालने के लिए करते हैं, पर हमें परमिशन मिली हुई है रामलीला ग्राउंड की, हम सब ये तो अब ये कहूँगा कि जनता के आक्रोश से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नया चेहरा खड़ा कर दिया, बस इतनी की बात है, इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला।